आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समास। समास शाब्दिक रूप से मिला हुआ है सम धन आस, मतलब सम प्लस आस। सम का अर्थ है समीप और आस का मतलब है बैठना, तो दोनों का मतलब हो गया समीप बैठना अर्थात संक्षिप्त करना। और समास का उल्टा विग्रह नहीं बल्कि व्यास होता है, तो व्यास का मतलब होता है वी प्लस आस, मतलब विपरीत बैठना। समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में वर्णों या अक्षरों का मेल होता है। समास के घटक यानी जो समास के भाग कह सकते हैं वो चार होते हैं। पहला समस्त पद या सामासिक पद, दूसरा पूर्व पद या प्रथम पद, तीसरा उत्तर पद या तृतीय पद, चौथा समास विग्रह। जैसे राजकुमार है तो राजकुमार को हम बोलेंगे कि राजकुमार एक सामासिक पद या समस्त पद है, जबकि उसमें राजा पूर्व पद या प्रथम पद है, कुमार द्वितीय पद या उत्तम पद है, और राजा का कुमार में जो का है जो लोप हुआ है वही विभक्ति है जो समास विग्रह के रूप में खोल के रखी जाती है। तो समास विग्रह का मतलब होता है सामासिक पद को खोलना, और सामासिक पद या समस्त पद का मतलब होता है समास विग्रह को सामासिक पद में लाना। समास के भेद कितने होते हैं? वैसे तो समास के 6 ही भेद हैं अगर ऑप्शन लगाने को आए तो, लेकिन समास के भेद अगर हम आधार वाइज देखें तो प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का समास होता है। प्रथम पद प्रधान समास, द्वितीय पद प्रधान समास, दोनों पद प्रधान समास और दोनों पद अप्रधान समास। अर्थात जिस उदाहरण में पहला पद प्रधान होगा वह व्यय भाव, जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा वो तत्पुरुष या फिर कर्मधारय या फिर द्विगु, और जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे वो द्वंद्व, जिसमें दोनों ही नहीं प्रधान होंगे वो बहुव्रीहि यानी कोई तीसरा प्रधान होगा। मूल संस्कृत के आधार पर केवल समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व में भी इतरेतर विकल्प और समाहार, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष में भी समानाधिकरण व्याधिकरण, समानाधिकरण में भी कर्मधारय और द्विगु, और व्याधिकरण में फिर कई हैं कारक के आधार पर। ये समास का बेसिक हिस्सा हुआ। अब अगर हम समास में हिंदी प्रयोग के आधार पर देखें तो 6 प्रकार हैं, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। अब अव्ययी भाव समास को अगर समझा जाए तो पहले हम अव्ययी भाव समास को देखते हैं। तो अव्ययी भाव का शब्द से ही निकलता है अव्यय, यानी जिसका जो पहला पद होगा यानी पहला जो शब्द होगा वो अव्यय या उपसर्ग होगा। तो इसमें a प्लस बी बराबर ए बी, अर्थात जो सामासिक पद होगा या समस्त पद होगा उस सामासिक पद का जो प्रथम पद होगा या पूर्व पद वो अव्यय होगा या उपसर्ग, और जो द्वितीय पद होगा यानी उत्तर पद वो संज्ञा होगा हमेशा। जैसे प्रत्येक है तो प्रति एक, इसमें एक संज्ञा है और एक के पहले उपसर्ग लगा है प्रति, या आजीवन जीवन भर, जिसमें भर के पहले प्रत्यय लगा है जीवन, मतलब माफ कीजिएगा जीवन के पहले प्रत्यय लगा है आ। तो क्या हर बार अव्ययी भाव समास इसी आधार पे होगा कि पहला अव्यय और उपसर्ग है बाद में संज्ञा? हाँ, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, पर इसके कुछ और अपवाद भी हैं। जैसे अगर संज्ञा या अव्यय पद का दोहराव हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सामान्यतः हमको लगता है कि अगर दोहराव हो रहा है तो वहाँ जो है द्वंद्व समास होगा, मगर ऐसा हर बार नहीं होता। द्वंद्व समास में दोहराव होने के साथ में विलोम अर्थक शब्द भी होता है कि वो शब्द आपस में विलोम भी होते हैं। लेकिन अगर संज्ञा पदों का दोहराव हो यानी बार बार लिखे जाएं और उनका दोहराव हो लेकिन विलोम ना हो तो वह अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे हाथों हाथ, कानों कान, पल पल। कभी कभी उदाहरण में संज्ञा पहले आ जाती है, वहाँ पर संज्ञा पद पूर्व समास होता है, जैसे विवाहोपरांत, विवाह के उपरांत। फिर है द्विगु समास। तो द्विगु समास दूसरा पद प्रधान है, देखिए नाम से लग रहा है द्विगु यानी दो, यानी द्वितीय पद प्रधान। इसमें पहला पद संख्यावाची होता है हमेशा, जैसे द्विगु है तो द्विगु में प्रथम पद जो द्वि है वो संख्यावाची है और गु यानी काय से मतलब है यहाँ पे, तो वो एक कह सकते हैं संख्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले अगर अव्यय उपसर्ग हो तो अव्ययी भाव था, ऐसे ही संज्ञा के पहले अगर विशेषण है और वो भी विशेषण संख्यावाची विशेषण है, नॉर्मली विशेषण होगा तो कर्मधारय होगा, लेकिन अगर संख्यावाची विशेषण है तो फिर वहाँ पे जो है द्विगु समास होगा। जैसे द्विगु है, चौराहा है, नवरत्न है, त्रिलोचन है, शताब्दी है, नवरात्र है, तो ये सब चीज़ें। आगे हम देखें तो अगला समास है कर्मधारय। कर्मधारय समास में अगर हम ध्यान से देखें तो कह सकते हैं कि आखिरी पद यानी द्वितीय पद संज्ञा होगा और पहला पद संख्यावाची असंख्यावाची विशेषण होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर संज्ञा के पहले संख्यावाची विशेषण आ रहा है तो वह द्विगु समास है, लेकिन संज्ञा के पहले अगर असंख्यावाची विशेषण आ रहा है तो वह द्विगु नहीं कर्मधारय समास है। अब संज्ञा है
संज्ञा को हम विशेष से बोल सकते हैं या उपमेय भी बोल सकते हैं। उपमा जब अलंकार पढ़ते हैं तो उपमेय बोलते हैं, जब विशेषण विशेष पढ़ते हैं तो विशेष से बोलते हैं, और उसके पहले वाले को उपमान या विशेषण बोलते हैं, क्योंकि विशेषण सामान्यतः विशेष्य के पहले आता है। ठीक है, जैसे महादेव। अच्छा, यहाँ पर कर्मधारय समास में है जो, जैसे है जो, इस टाइप का शब्दावली आएंगी। जैसे महादेव, महान है जो देव, है ना। तो इसमें जो महा है वो विशेषता बता रहा है देव की, लेकिन ये असंख्यावाची है। लेकिन कभी कभी इसमें भी कुछ एक्सेप्शन या अपवाद है। जैसे अगर किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयोग किया जाए तो वहाँ भी कर्मधारय होगा। जैसे सत परामर्श, सपूत, कपूत, यहाँ पर उपसर्ग तो लगा है, लेकिन उपसर्ग लगे होने पर सामान्यतः अव्ययी भाव होता है। लेकिन अगर उपसर्ग लगा हो लेकिन फिर भी वो एक विशेषण का भाव दे तो फिर वहाँ अव्ययी भाव नहीं, कर्मधारय होता है। जैसे कपूत, सपूत, सत परामर्श। अब जैसे हमने पढ़ा कि अगर संज्ञा पदों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, वैसे ही अगर विशेषण पदों की आवृत्ति हो यानी बार बार दोहराव हो तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे लाल लाल, नीला नीला। फिर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में नाम से ही लग रहा है द्वंद्व यानी संघर्ष, यानी दोनों पद प्रधान होंगे, है ना। इसमें ना पहला ना दूसरा बल्कि दोनों ही प्रधान होंगे। इसके भी दो तीन डिवीज़न हैं, इतरेतर द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। विकल्प का मतलब ही होता है ऑप्शनल, या तो ये कर लो या तो ये, चाय या कॉफ़ी। तो सदैव विलोम होंगे आपस में और या का लोप होगा बीच में। जैसे माता पिता, माता या पिता, भला बुरा, भला या बुरा, दिन रात, दिन या रात। इतरेतर द्वंद्व का मतलब होता है ज़्यादातर विलोम होते हैं और इसमें बीच में और तथा वा का लोप होता है। जैसे माता पिता का मतलब माता और पिता भी हो सकता है, दूध रोटी, दूध और रोटी, गौरी शंकर, गौरी और शंकर। फिर तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में लोप होता है इत्यादि या आदि का। अगर दो हैं तो आदि और दो से ज़्यादा हैं तो इत्यादि। और पहचान ये है कि जितने भी समाहार द्वंद्व हैं ज़्यादातर वो उसमें एक सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक। जैसे चाय वाय, कपड़ा लत्ता, कंदमूल फल, लस्सी वस्सी। फिर है बहुव्रीहि द्वंद्व समास, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास थोड़ा अलग सा है, इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसके भी प्रकार हैं। जैसे इसके मुख्यतः प्रकार होते हैं तो पहला प्रकार है इसका समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, जहाँ विभक्तियाँ समान हों। जैसे चतुर्भुज, चार हैं भुज जिसके अर्थात विष्णु, दशानन, दस हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। तो यहाँ कुछ तीसरा ही अर्थ निकल रहा है जो दोनों पदों में नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूँकि विभक्ति समान है, दो दो, पाँच पाँच यानी चार और दस, तो इसलिए ये समान अधिकरण है। व्याधिकरण बहुव्रीहि समास में क्या होगा, असमान विभक्ति होगी, व्याधि होगी, रुकावट आएगी, असमान विभक्ति होगी। जैसे गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। चंद्रमौली, चंद्रमा है मौली पर यानी सिर पर जिसके अर्थात शंकर। तीसरा होता है तुल्य योग बहुव्रीहि समास, जिस समास में पहला पद साथ का बोध कराए, है ना, साथ का, तो वहाँ पर तुल्य होगा। जैसे सपत्नीक, सानुज, साहस। फिर अगला है व्यतिहार बहुव्रीहि समास, जिस समास में घात प्रतिघात यानी लड़ाई झगड़ा जैसे सूचक शब्द हो वहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होगा। जैसे गाला गाली, मुक्का मुक्की, बातापाती, धक्का मुक्की। अच्छा, एक और चीज़, द्वंद्व समास वहाँ पर भी हो सकता है जहाँ डैश बीच में न लगा हो। जैसे भला कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य और अकर्तव्य, लाभालाभ, लाभ और अलाभ, डैश नहीं है लेकिन वहाँ पर द्वंद्व है क्योंकि विलोम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है कारक के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए करके। तो ऐसे ही पहला है कर्म कारक तत्पुरुष समास, जिसमें का विभक्ति का लोप, सॉरी को विभक्ति का लोप हो। जैसे कमर तोड़, कमर का, कमर तोड़, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक है, फिर अगला होता है करण तत्पुरुष समास। तो करण में से या के द्वारा का लोप होता है, हालांकि यहाँ पे से का अर्थ अलग होने के अर्थ में है क्योंकि से बाद में भी प्रयोग होता है, है ना। तो जैसे दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, अलग होने के अर्थ में है। संप्रदान का अर्थ तत्पुरुष समास में के लिए का लोप होता है, जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला। ठीक है, गौशाला, गो के लिए शाला। संबंध कारक तत्पुरुष समास का की के का लोप होता है इसमें, जैसे मुख दर्शन, मुख का दर्शन, देवभाल, देवालय, देव का आलय। अधिकरण तत्पुरुष समास में और पर का लोप होता है, जैसे मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी हैं जो अक्सर एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते पर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे अलुक तत्पुरुष समास जो है, तो अलुक तत्पुरुष समास में यदि कारक तत्पुरुष समास का कोई भी उदाहरण दे दिया जाए, मतलब तत्पुरुष समास का उदाहरण दिया जाए, कारक तत्पुरुष समास का और उदाहरण कोई भी दे दिया जाए लेकिन जवाब अन्य भेद से पूछे जो उनमें ना हो, तो जैसे ठेकेदार है, ठेके का दर, थानेदार, थाने का दर। वैसे तो ये कर्म कारक तत्पुरुष समास है, सॉरी हाँ कर्म कारक तत्पुरुष समास है, लेकिन
इसको हम अलुक में रखते हैं क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं होगा। फिर नई तत्पुरुष समास में जिस नाम से लग रहा होगा नई मतलब नहीं, यानी जिसका पहला पद निषेधात्मक हो, तो इसे आ लगाने पर निषेध बन जाता है ना अक्सर, तो अगोचर, अकर्म, अकाल ये सब इसमें आ जाएगा। फिर है उपपद तत्पुरुष समास, तो उपपद तत्पुरुष समास में वे प्रत्यय जो भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते हैं उन्हें जोड़कर बनाए गए शब्द, जैसे राजनीतिक भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते। लुप्त पद तत्पुरुष समास का मतलब है कारक विभक्ति के साथ कुछ अन्य पदों का भी लोप होता है, यानी कारक विभक्ति का लोप तो होगा लेकिन उसके साथ में कुछ अन्य पदों का भी लोप होगा, जैसे बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी, वायुयान, वायु में चलाया जाने वाला यान, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पदों का भी लोप है। तो मुझे उम्मीद है कि जो है आपको समास समझ आएगा। धन्यवाद।